राज्यसभा में मेरे सहयोगी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर बैठे हुए मित्रों और सभागार में मौजूद बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं गोपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस बहुत गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने इस कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया है। राजनीतिक विषयों में एक चटपटापन होता है और स्वाभाविक है कि लोगों की रुचि भी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस प्रकार के विषय जो समाज के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, जिस पे गहरे चिंतन की आवश्यकता होती है, उस पे कई बार बहुत बड़े पैमाने पर रुचि नहीं होती चर्चा में, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक दलों की भी एक कई बार सीमित होती है। लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर में जो हुआ, उसके बाद विकास और लैंड एक्विजिशन, ये जो विषय था, इसको लेकर चर्चा समाज में बढ़ी है, और कई बार ऐसा लगता है इस चर्चा को देखकर कि जो विषय आपने रखा कि डेवलपमेंट और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या डेवलपमेंट वर्सेस लैंड, डेवलपमेंट वर्सेस रिहैबिलिटेशन, ये दोनों ऐसे विषय हैं जो समाज में आप एक विचार के साथ हो सकते हैं, दोनों के साथ नहीं हो सकते। दोनों में एक अंतर्विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इट्स एन इरेकंसिलिएबल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा एक चर्चा और समाज के अंदर आई है। दूसरा, जो महेश्वरी जी कह रहे थे कि लैंड अपने आप में बहुत चिंता का विषय भी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 1991 से पहले जब रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, तो लाइसेंसिंग जो थी वो देश में शॉर्टेजेस क्रिएट करती थी और अपने आप में एक भ्रष्टाचार का एक साधन बन चुकी थी। लाइसेंसिंग रिजीम समाप्त हुई और जब अर्थव्यवस्था में एक खुलापन आया, तो ऐसा लगता था कि भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूप से कम होगा, क्योंकि सरकार का जो मौजूदगी है सरकार की, वो व्यवसाय करने से अलग हो जाएगी। लेकिन पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है कई विभागों के संबंध में, तो ये सच है। और उस वक्त ये माना जाता था कि कुछ ऐसे विभाग हैं सरकार के शासन के, जिस प्रकार से अल्कोहल और लिकर का है, जो सरकार के हाथ में नियंत्रण रहता है, विशेष रूप से राज्य सरकारों के, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक केंद्र है। 20 साल का अनुभव ये बतलाता है कि काफी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार डिसेंट्रलाइज हुआ है इस देश में, और उस डिसेंट्रलाइजेशन में, उसके विकेंद्रीकरण में, चार ऐसे क्षेत्र हैं जो भ्रष्टाचार की दृष्टि से सबसे प्रमुख रहे हैं। पहला है लैंड और जितनी भी लैंड रिलेटेड एक्टिविटी है। दूसरा है माइनिंग। तीसरा है, और विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के प्रांतों में मैं देख रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन। और चौथे नंबर पे अब पहुंच गया लिकर और अल्कोहल, जो पहले सबसे आगे था। अगर आप राज्यों में जाकर देखें तो लैंड सबसे आगे है। आप उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां दो लगातार सरकारें बहुत भ्रष्ट रही हैं, तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र, ट्रांसफर पोस्टिंग छोटे भ्रष्टाचार का केंद्र रहता है, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना है, जहां जहां अर्बन एक्सपेंशन हुआ है और जहां जहां जमीन और भूमि की कीमत बढ़ी है, और इसलिए नोएडा यूपी में सबसे स्वाभाविक भ्रष्टाचार का एक केंद्र उत्तर प्रदेश में बना, और यह स्थिति अन्य राज्यों में भी है। दूसरी चिंता मुझे इस प्रकार की है, जो इस प्रकार की गोष्ठियों का, सिंगूर और नंदीग्राम के बाद बहस का, और मैं मानता हूं कि देश में जो 9 बजे का समय रात को होता है, जब टेलीविजन चैनल्स पर चर्चाएं और डिस्कशन शुरू होती हैं, वो एक तरफा बहस बड़ी खतरनाक होती है।
वो लोग भी तलाश में होते हैं कि आज एक विषय मिल जाए, और संयम के साथ तर्क के साथ बात करने वाले लोग कई बार कम पड़ते हैं। जो एकदम उग्र बात कहता है, एक्सट्रीम व्यूज देता है, वो ज्यादा आकर्षक दिखता है। तो भी एक लेखक है हमारे मित्र, उन्होंने एक लेख लिखा, उसने कहा आफ्टर 9 o'clock टेलीविजन इन इंडिया, पॉलिटिकल टेलीविजन इज लाइक अ खाप पंचायत, कि आज किसका सर पकड़ना है, और 15-16-18 चैनल्स के ऊपर एक विषय चल रहा होगा और किसी ना किसी के पीछे पड़ना है और एक विचार दे दिया, उसमें तर्क है या नहीं है। कई बार मैं मानता हूं कि इस प्रकार की चर्चा में भी वो खतरा होता है, और मैं खतरा इसलिए इस विषय में मानता हूं विशेष रूप से कि मैं इस दोनों में बहुत बड़ा विरोध, कुछ विरोध तो है ही, लेकिन समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस कन्वर्जेंस को ढूंढने के अलावा। और उस कन्वर्जेंस का मैं कारण आपको बता दूं, यह किसी ने तय नहीं किया था कि जब यह देश आजाद हुआ कि हम कहते थे हम कृषि प्रधान देश हैं, 80-90% लोग उस वक्त गांव में रहते थे, दैट इंडिया एंड इंडियंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। आज भी जब हम कहते हैं कि ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल रहता है, तो कई बार कल्पना है कि 25 साल बाद, 50 साल बाद वो बेचारा ट्राइबल उसी लिविंग कंडीशंस में रहेगा, या दुनिया का जो डेवलपमेंट मॉडल बना है वो उसके ऊपर भी लागू होगा। अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आया है कि आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं 2011 में कि 35-40% लोग आज अर्बन इंडिया का अंग बन गए हैं, और यह उम्मीद की जाती है कि 2026 तक, और इसलिए डीलिमिटेशन करने की जो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, अगला राउंड 2026 में होगा। अब हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में यह अर्बन पॉपुलेशन 40% से आगे जा चुकी है, और यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक यह 55-60% तक देश की नेशनल एवरेज हो जाएगी। ये इसका एक पहला सिद्धांत है। दूसरा तथ्य यह है कि अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखो तो इसका एक लॉपसाइडेड मॉडल है। इसलिए वत्स ठीक कह रहे थे, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ गरीब हो रहे हैं, लेकिन इस सही मॉडल के पीछे एक दूसरा आंकड़ा भी छुपा है, और वो दूसरा आंकड़ा यह है कि आज जो सर्विस सेक्टर है इस देश का, लगभग 52-54% इस देश की इकोनॉमी उस सर्विस सेक्टर की है। वेरी फ्यू पीपल आर इन द सर्विस सेक्टर, बट इट कंज्यूम्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी 22-24% तक ही है, और जो एग्रीकल्चर है, कृषि, जहां आज भी 60% लोग कृषि में हैं, और अधिकतर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, उसका जीडीपी में योगदान 16-17% पे पहुंचा हुआ है। और इसलिए वत्स जी ने ठीक कहा कि 60% लोग इस जीडीपी का 16-17% शेयर करते हैं, और बाकी 40% लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, वो जीडीपी का 84-83% शेयर करते हैं। और यह भी सच है कि कृषि के क्षेत्र में जो 60% लोग लगे हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जहां 4 आदमियों की जरूरत है, परिवार के 20 आदमी लगे हैं, और वो 20 इसलिए लगे हैं कि किसी को एक को शहर में या किसी को इंडस्ट्री में कहीं नौकरी मिल जाए, कोई दुकान कर ले, तो लगता है कि घर परिवार का एक बच्चा दूसरे काम के अंदर चला गया, वो और एक आमदनी का साधन बन जाता है। और दुनिया भर का इकोनॉमिक मॉडल ये रहा है, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर हैज टू एंड, एंड पीपल हैव टू बी ड्रॉन आउट ऑफ एग्रीकल्चर इन टू सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। और यह भी कहीं तय नहीं कि हर सारी जिंदगी ये जो 60% है ये गांव की झोपड़ी में रहेंगे। यहां तो डॉक्टर कलाम कहते थे कि आप गांव के अंदर वो सुविधा दीजिए जो शहर में मिलती है, जो उनका पूरा की कल्पना थी, अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। उस स्थिति में भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, वो टारगेट हो सकता है। इस
इसलिए एक वास्तविकता इस देश की अर्थव्यवस्था की है कि दिस कंट्री इज नॉट एंड इट्स पीपल आर नॉट डेस्टिन टू लिव इन पॉवर्टी फॉर एवर। आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्बनाइजेशन के लिए पड़ेगी। गांव छोड़ के जब लोग आएंगे, बड़े बंगले तो नहीं, और वो अब बनने भी बंद हो जाएंगे, कोई फार्म हाउसेस नहीं, लेकिन ये जो कल्पना चली है कि शहरों के आसपास पेरिफेरी में अपार्टमेंट लिविंग जिसमें जमीन का प्रयोग भी कम हो और अधिक लोग उस जमीन का प्रयोग कर पाए जिसके लिए बिजली की, पानी की, सैनिटेशन की सुविधा चाहिए होगी। दूसरी आवश्यकता ये होगी, और ये इस देश का मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं, कि जो पहली औद्योगिक क्रांति थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पास्ड ओवर इंडिया, यूरोप में गई, अमेरिका में गई, बट वी मिस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज हमारे पास एक दूसरा अवसर आने की संभावना है, और दूसरा अवसर इतिहास में अक्सर मिलता नहीं है। दूसरा अवसर आने की संभावना यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कर्व है पूरी दुनिया में, पहले होता था कि यूरोप और अमेरिका यही डेवलप्ड नेशंस देश हैं, लेकिन टुडे द पेंडुलम हैज स्वंग इन फेवर ऑफ द लो कॉस्ट इकोनॉमीज। दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी सिद्धांत है कि लोग वो सामान खरीदेंगे जो अच्छे स्तर का है और जो सस्ता मिलता है, लोग वो सर्विसेज हायर करेंगे जो अच्छी हैं और सस्ती मिलती हैं। इसलिए बाईपास सर्जरी करवाने के लिए इस देश में आएंगे, क्योंकि यहां 2 लाख में हो जाती है, वहां 20 लाख में होती है। और कई क्षेत्रों में भी, आप अपने सीए के क्षेत्र में भी देखेंगे, औपचारिक रूप से हम ना खोले, वकालत में ना खोले, मेडिकल प्रोफेशन एक दृष्टि से खुला हुआ है, विदेशों से कोई नहीं आया, हमारे लाखों डॉक्टर वहां हैं। और ये जो सर्विसेज सेक्टर, जैसे आउटसोर्सिंग है, अब न्यू जर्सी में जब सबसे पहले विवाद चला तो टैक्स रिकॉर्ड इनकम टैक्स विभाग का मेंटेन करने के लिए वहां पर एसएससी $2 लगता था। अगर गुड़गांव में या बैंगलोर में रखोगे तो आपको 10 सेंट लगेंगे। So the Americans realize that the cost of keeping their data in India is far cheaper than keeping it there. So services, or that is how jobs were created. और एक चीज अच्छी हुई कि services sector में ये दुनिया में accept हो रहा है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है, we are becoming the service provider to the world. But our challenge is to provide, to become even the workshop of the world and be the industrial hub of the world. हमने अपनी अर्थव्यवस्था को यूरोप और अमेरिका से सस्ता कर लिया, लेकिन चाइना, थाईलैंड, मलेशिया इनसे सस्ता नहीं कर पाए। टेक्सटाइल्स में हम बांग्लादेश और श्रीलंका से सस्ता नहीं कर पाए, पाकिस्तान से सस्ता नहीं कर पाए। और इसलिए आपको जो इंटरनल रिफॉर्म्स करने हैं, उसी से आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। उसका दूसरा यह होगा कि जो बच्चा कृषि में से परिवार में अंडर एम्प्लॉयड है, और 2 लड़के 3 लड़कों को इंडस्ट्री में नौकरी मिलेगी, कुछ को सर्विसेज में मिलेगी, कुछ को एजुकेशन में जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था अगले 20-30 साल में इस दिशा में बढ़ने वाली है। अब यह कहना कि यह होगा नहीं, गांव को ही एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बना दो, अपना बनाए अपना ही खाए, यह मॉडल इस देश, उन लोगों की भी उद्देश्य हैं, दे आर ऑल्सो एन एस्पिरेशनल सोसाइटी। अब वो गांव जो थे शहरों के इर्द गिर्द हो गए हैं, हर गांव किसी बड़े शहर के 25-50 किलोमीटर के नजदीक है, दे आर ऑल्सो बिकमिंग एन एस्पिरेशनल सोसाइटी। इस परिस्थिति में विकास करना, और मैं सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से सहमत नहीं हूं कि इट्स अ कर्स ऑन सोसाइटी, प्रोबेबली सच जजमेंट्स आर रिटन इन द फ्लो ऑफ अ मूवमेंट। Judges are trained to write judgments. Judges are not trained to become economists and social planners of the society. इस परिस्थिति में उस किसान जिसकी जमीन है, जब उसको आप compulsory acquisition में लोगे, जिसको आपने कहा कि eminent domain है और सरकार का sovereign अधिकार है उस eminent domain को अधिकार का प्रयोग करने का, तो एक तरफ आपने डेवलपमेंट की बात कर दी, लेकिन निजी स्तर के ऊपर उस गरीब किसान के साथ पूर्ण अन्याय हो गया। अन्याय इसलिए हुआ कि यह जमीन वो थी जो पुश्तों से उसकी चली आ रही थी,
इस जमीन पर साल में दो बार तीन बार वो फसल करता था, उसको आमदनी मिलती थी। समाज की मुख्य धारा में तो अभी शामिल होने में उसको समय लगेगा, शायद उसकी पीढ़ी ना हो पाए, उसकी एक पीढ़ी बाद में हो पाए, लेकिन उसके हाथ से ये जमीन चली गई। और जो पैसा मिला, आपने सही कहा, वो मुआवजे का पैसा उसके परिवार ने खर्च कर दिया। इसलिए समाज ने हमेशा सामाजिक दृष्टि से चिंता करी। अब जैसे दिल्ली जब बनी, और हम सब लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, तो यहां के जो गांव थे, अर्बन विलेजेस, अर्बनाइज विलेजेस इनको कहते थे, हम लोगों ने क्या किया, उन किसानों की जमीन अक्वायर हो गई। 50 के दशक में शुरू हुई, 60 के दशक तक पूरी अक्वायर हो गई। उन गांव के आसपास ये कॉलोनीज बनी, जिनको आप पॉश कॉलोनीज भी कहते हो। इन कॉलोनीज की सुविधाओं को आपने उन गांव के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। उस बेचारे की जमीन चली गई, उसको मुआवजा थोड़ा बहुत मिला। ये जो लाल डोरा की कल्पना थी कि इनके ऊपर नगर निगम के नियम लागू नहीं होंगे, या चार चार पांच पांच मंजिले बिल्डिंगें बना ले, तो आज तक वो गरीब परिवार जिनकी जमीनें चली गई, अधिकतर उनका गुजारे का जो साधन है वो लाल डोरा की उनकी बिल्डिंगें हैं, जहां से उनको किराया आता है। एक मंजिल पर रहेंगे, एक घर में रहेंगे और बाकी किराया आता है। आप अधिकतर से पूछ लीजिए, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए, वो तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसी संख्या कम है। अभी भी अधिकतर उस लाल डोरा के किराए के ऊपर दो वक्त की रोटी चलाते हैं। इसलिए अगर विकास का कोई विकल्प नहीं है, तो किसान के साथ न्याय करना उसका भी कोई विकल्प नहीं है। और जो बहस का दायरा है, मैं अभी सिंगूर गया था पश्चिम बंगाल के दौरान, और सिंगूर में हमारी पार्टी बंगाल में छोटी है, लेकिन सिंगूर में अच्छी वोट हम लोगों को मिल रही थी, अच्छा कार्यक्रम था। तो वहां मुझसे पहले स्थानीय दो तीन नेता बोल रहे थे, मैं हैरान हुआ, जितने लोग बोले वो परिचय दे रहे थे, तो उसने कहा कि ये फला यहाँ का लोकल व्यक्ति है, तो उसका पद मैंने पूछा कहा है, तो उसने कहा कि नानो लाओ समिति। और सब भाषण ये दे रहे थे कि काश वो उद्योग लग जाता और यहां उस उद्योग के बहाने सड़क भी बन जाती, यहां उस उद्योग के बहाने बाजार भी बन जाता, हॉस्पिटल भी बन जाता, स्कूल भी बन जाता, बच्चों को नौकरी भी मिल जाती। और इसलिए मैंने जो उस कार्यक्रम में सिंगूर के अंदर पूरी चर्चा देखी, जो मुझे कल्पना थी कि ये बहुत उस प्रोजेक्ट के विरोधी होंगे, मैंने उनकी भाषा बिल्कुल दूसरी, और किसान इतना मूर्ख नहीं है, वो भाषा समझता है। आपने जो जिक्र किया, अभी का नहीं पहले का, बाद में कई लोग चाहते थे कि अगर गांव के पास शहर बनेगा एक नया, तो शहर के आसपास जमीन का दाम भी बढ़ेगा। अब मैं मानता हूं इसलिए चर्चा इस विषय पे हो कि किस तरह की जमीन की एक्विजिशन करनी है, एक्विजिशन कितनी करनी है और उसके समझौते से कितनी देनी है। अब गुजरात का एक मॉडल देखिए, एसईजेड सबसे ज्यादा गुजरात में बने और गुजरात में सबसे कम शोर मचा, क्योंकि वहां की सरकार ने तय कर दिया कि समुद्र के तट के किनारे उनका 1600 किलोमीटर का कोस्टलाइन है, जो नॉन प्रोडक्टिव लैंड था, सारे लैंड उन्होंने कोस्टल लाइन के साथ साथ कर लिए, और जिसमें किसान को तकलीफ नहीं हुई, और वहां पर जितनी भी ये वाइब्रेंट गुजरात के दौरान इन्वेस्टमेंट आती है वहां पे आए। तो एक सुझाव, और मैं अपने विचार नहीं दे रहा, जो सुझाव लोग दे रहे हैं कि प्राथमिकता दी जाए जो नॉन कल्टिवेबल लैंड है, ताकि इस देश के अंदर कहीं फूड सिक्योरिटी की चिंता ना बढ़ जाए, कि अगर कल्टिवेबल लैंड इतना कम हो गया तो कल हमको खाद्यान्न पदार्थों की कमी पड़ जाएगी, और जब कमी पड़ जाएगी, और आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मार्केट इकोनॉमी को समझते हैं, तो दुनिया के बाजार में जाएंगे। और अगर भारत जैसे साइज का देश, अगर यहां फूड प्रोडक्ट्स की कमी पड़ गई, फूड आइटम्स की, तो दुनिया के बाजार को यह मालूम है कि इंडिया इज शॉर्टेज इन फूड, और इसलिए दिस इज अ नेसेसरी गारंटी फॉर रेजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। और हमारे यहां नहीं, सारी दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए अपनी फूड सिक्योरिटी भी कम ना हो, प्राथमिकता आप नॉन कल्टिवेबल लैंड को दीजिए। उसके बाद किस प्रोजेक्ट के लिए आपको कंपल्सरी अक्वायर करना है, और किन प्रोजेक्ट के साथ आप उनको कहिए कि आप बातचीत करके स्वयं अक्वायर कीजिए, बाजार का रेट है, ज्यादा है तो ज्यादा दीजिए,
कोई उद्योगिक घराना उद्योग नहीं लगाता जब तक उसको प्रॉफिट की गारंटी ना हो, उसको यहां गारंटी नहीं लगेगी कहीं जाकर सस्ती जमीन खरीदेगा। सरकार को अपना कंधा उसको उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहां आपको जो एमिनेंट डोमेन का अधिकार है उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। कोई हाईवे बन रहा है, जनहित में बन रहा है, और कोई 5 एकड़ जमीन ऐसी आ गई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हाईवे या बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट और बिजली घर रुका हुआ है, आप उसके संबंध में सरकार दूसरी नीति बनाए। फिर आपको चिंता करनी पड़ेगी कि सोशल पैकेज क्या होगा। देखिए, हमारे किसान की जो स्थिति है, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मर है, दूसरी स्थिति यह है कि एक प्रकार से नॉन सब्सिडाइज्ड फार्मर है। मैं जब WTO के नेगोशिएशंस करता था यूरोप और अमेरिका के साथ, तो मैं कहता था आपके और हमारे बीच के अंदर इतना अंतर है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है किसान की जेब में पहले पैसे डाल देता है, और जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को उससे कम दाम पे बेचता है, क्योंकि उसको एक मात्रा सरकार से मिल गया है। तो हमारा जो छोटा किसान है, ये जो प्रतियोगिता करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, ये आपके किसान के साथ नहीं करता, आपके वित्त मंत्री के साथ करता है। सो द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द US कंपीट्स विद द इंडियन फार्मर, और इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसलिए क्योंकि किसान की ये परिस्थिति है, तो आपको दूसरा उस पर सोचना पड़ेगा कि इसका पैकेज क्या दिया जाए। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा किसान के साथ अन्याय होता है जब आप मार्केट वैल्यू तय करने की तलाश में जाते हो। मार्केट वैल्यू कंपेरेबल सेल डीड्स के साथ होती है, और इस देश का एक सिद्धांत बन चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण जमीन के संबंध में, कि जो कंपेरेबल सेल डीड्स हैं वो कभी जमीन की असली कीमत को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अर्बन सेल डीड्स अब कुछ शुरू हुई है, जिस ब्लैक मनी को लेकर इतना शोर मच रहा है, कभी भी रूरल सेल डीड्स उस रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जो कलेक्टर होता है वो कभी उस कीमत के से ज्यादा दे नहीं पाता। उसके पश्चात जब वो देता है, तो फिर आप सरकार ने एक बनाया हुआ है कि क्योंकि आपकी जमीन जा रही है, तो आपके आंसू पोंछने के लिए, टू गिव यू सम सोलेस, संतावना देने के लिए, एक सोलेशियम 30% दे देंगे। लेकिन वो 30% उस कीमत पे है जो जमीन की कीमत, पड़ोस की जमीन की कीमत रिफ्लेक्ट होती है, और किसान के साथ अन्याय तब शुरू होता है। आपको चाहिए हाउ टू डिटरमिन द रियल वैल्यू ऑफ लैंड। दूसरा, सोलेशियम और रियल वैल्यू ठीक है, लेकिन उस कीमत से एक बार पैसा देने से क्या किसान की जीवन भर की मिजरी सॉल्व हो जाती है? अब ये तरह तरह के मॉडल जो रिफ्लेक्ट हुए, इसमें से 3 मॉडल मुझे स्पष्ट रूप से सामने नजर आते हैं। सोलेशियम के अलावा प्रकाश जी ने कहा कि डेवलप्ड लैंड का एक हिस्सा आप उसको दीजिए, वो कितने परसेंटेज हो इस पे डिपेंड करिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट। एक हरियाणा ने मॉडल शुरू किया है एन्यूटी का। हरियाणा कह रहा है कि 10 साल तक हम देंगे एन्यूटी, कि जो आप जमीन से कमाते थे, जब तक आप कोई दूसरा काम धंधा ना ढूंढ ले, तब तक आपको 10 वर्ष के लिए वो हम देंगे। तीसरा, जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए हो, किस समय तक आप जॉब गारंटीड है। मैं विशेष रूप से मानता हूं कि ये जो अलग अलग तरह के मॉडल हैं दुनिया में, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद इन सब विषयों में हम किसी प्रेशर ग्रुप में गाइड ना होके, अब ये सब कहेंगे, महेश्वरी जी ने भी जिक्र किया कि इतना अनवायबल हो जाएगा, अनवायबल होगा तो वो प्रोजेक्ट कहीं और ले जाएगा जहां पे वायबल है, किसी ऐसी जमीन पे ले जाएगा जहां जमीन सस्ती मिलती है। लेकिन इसलिए दूसरे की जेब काट लो, उसके प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए संभव नहीं होगा। हम ये मान के चले जो केंद्र बिंदु हैं कि आपको भूमि की भी आवश्यकता है, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लैंड, एंड देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर जस्टिस टू द फार्मर। और एक वेलफेयर स्टेट के नाते इसकी कन्वर्जेंस का मॉडल किसी शासन को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम 9 बजे वाली टेलीविजन डिबेट बन जाएंगे, एक तरफा तर्क देंगे
और उसी वक्त फैसला सुना के फांसी लगा देंगे? और समाज का हित किस व्यापक दृष्टिकोण में है इसकी चिंता नहीं करेंगे? आपने ये बहस आरंभ की है, इसके अन्य मॉडल्स भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप दुनिया भर में अध्ययन करिए इसका, और इसमें से कौन सा मॉडल है या कोई ऑप्शनल मॉडल्स इंडिया भारत के लिए हैं इसकी तलाश में हम लोग जाएं, क्योंकि ये सिंगूर और नंदीग्राम के बाद की बहस का एक लाभ हुआ है, और लाभ ये हुआ है कि समाज में वन इशू हैज बीन फ्लैग्ड, एंड दैट फ्लैग्ड इशू इज हाउ डू वी गिव जस्टिस टू आवर फार्मर। मैं ये नहीं मानता हूं कि डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, ये इशू फ्लैग हुआ है, इस पर दो मत होने संभव नहीं है, लेकिन उस पैरामीटर में हाउ डू यू डू जस्टिस टू द फार्मर, इसकी तलाश में हम लोग जाएं। समाज में अन्य लोग भी हैं जो इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, उस चर्चा का एक और जो व्यापक बहस है उसका हम लोग हिस्सा बने। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।